नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर से बेहद ही विवादित बयान दिया है। सपा सांसद एसटी हसन का कहना है कि कोरोना से हुई मौतों और चक्रवाती तूफानों के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन यूं तो अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार फिर से सपा सांसद की ओर से बेहद विवादित बयान दिया गया है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है, पिछले 7 सालों में भाजपा की सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाए गए जिनके द्वारा शरीयत के साथ खिलवाड़ किया गया। नागरिकता कानून बना दिया गया जिसके अनुसार सिर्फ मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसे कानूनों के द्वारा जो नाइंसाफी हुई है उसके कारण देश में हाल ही में 2 तूफान आ चुके हैं। कोरोना के रूप में आसमानी आफत भी आई हुई है। कई लोग इस आसमानी आफत के शिकार हुए हैं। इतना ही नहीं, सपा के सांसद एसटी हसन ने सीएए और एनआरसी को भी मुस्लिमों से जोड़ते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी के जरिए देश के मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार धार्मिक भेदभाव पैदा करने वाले कानून बना रही है। हसन ने कहा कि जब जमीन वाला इंसाफ नहीं करता है तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब आसमान वाला इंसाफ करता है तो कोई इफ या बट नहीं होता। मोदी सरकार पर निशाना साधते साधते सपा सांसद बेहद आगे निकल गए और एक के बाद एक विवादित बोल बोलते चले गए। सपा सांसद हसन की ओर से दावा किया गया कि जिस तरह की सरकार और उसके नुमाइंदे हैं, उन्हें ये अंदेशा है कि आगे आने वाले समय में और भी आफत आने वाली है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब सपा सांसद एसटी हसन की ओर से इस तरह का विवादित बयान दिया गया हो। इससे पहले अयोध्या में श्रीराम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे लोगों पर बयान देते हुए एसटी हसन ने कहा था कि भाजपा खुद ही चंदा मांगने के लिए निकले लोगों पर बिके हुए मुस्लिमों से पथराव करवा सकती है। इसके पहले भी सपा सांसद हसन ने लोकसभा में 3 तलाक पर रोक से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान एक अनर्गल बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीवी को गोली मारने या जलाकर मार डालने से बेहतर है कि उसे 3 तलाक दे दिया जाए। इतना ही नहीं, सपा सांसद बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर भी बेहद विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर बेहद विवादित बयान देते हुए सपा सांसद ने हीरोइनों को तवायफ बताया था। इसके बाद उनके इस बयान पर बहुत विवाद हुआ था। समाजवादी पार्टी में एसटी हसन ही सिर्फ ऐसे नेता नहीं हैं जो विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। कई और सपा के नेता भी लगातार देश के प्रधानमंत्री और देश की महिलाओं पर बेहद विवादित बोल बोल चुके हैं। इसके बावजूद सपा अध्यक्ष की ओर से इन बेलगाम नेताओं पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता अपनी आदत से मजबूर हैं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सपा नेताओं की ओर से इस तरह के बेहद विवादित बयान दिए जाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि इन बयानों पर सपा अध्यक्ष की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।